श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज एक बीज मंत्र बताऊंगा त्रिपुरा सुंदरी का जिसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपका सौंदर्य तो बढ़ेगा ही आप विश्व वशीकरण कर पाओगे मतलब आपको जो देखेगा वो आपके वश में हो जाएगा इसके अलावा मैं आपको सुनाऊंगा भांड की कहानी <laughs> ऐसे तो आज जिसको हम लोग एक अपशब्द के रूप में देखते हैं लेकिन त्रिपुरा सुंदरी का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो इस भांडासुर के मृत्यु के लिए हुआ था त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी राजेश्वरी बाला ललिता मीनाक्षी सताक्षी कामेश्वरी इनका बहुत सारा नाम है और इनको सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी सुंदरता से और इतनी मोहक थी कि पूरा देवासुर संग्राम में असुरों को अपने वश में कर लिया था तो माँ भगवती के स्वरूप का तंत्र में तो बहुत प्रयोग है लेकिन जो सबसे उत्तम प्रयोग होता है वो वशीकरण प्रयोग है और पूज्य शंकराचार्य जी ने एक बीज मंत्र दिया माँ का और कहा कि जो इसको सिद्ध कर लेगा वो पूरे विश्व को वशीकरण मतलब मोहित करके रखेगा तो उस कहानी को जानने के लिए आपको मतलब उस बीज तक पहुँचने के लिए आपको जानना होगा कि भगवती का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था जो शिव शक्ति की पूजा करते हैं उनको पता है कि कैसे भगवती अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद गई और फिर महादेव तांडव करने लगे उनको अपने शरीर पर लेके और उनका क्रोध शांति ना हो क्रोध शांत होने के बाद महादेव कैलाश पर चले गए ध्यान करने के लिए लेकिन महादेव जब तक ना आए तब तक बहुत सारे जो दानव थे वो उत्पात मचाने लगे उसी में से एक दानव था जिसको ये वर था कि शिव के अलावा उनका वध कोई नहीं कर सकता तो देवताओं ने प्लान बनाया और उसके बाद कामदेव को भेजा गया कामदेव ने कुसुम सर बांध चलाया महादेव पे महादेव गुस्सा हो गए और महादेव के त्रिनेत्र खुला कामदेव वहीं भस्म हो गए कामदेव के भस्म होते बहुत विलाप हुआ बहुत कुछ हुआ महादेव जग गए जिस राक्षस का वध होना था हो गया पीछे एक शिवगन ने कामदेव के राक्ष से एक मूर्ति बनाई और उसको जागृत कर दिया अब जब उसको जागृत कर दिया वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त हो गया और महादेव की खूब पूजा करने लगा महादेव के गुस्सा से उत्पन्न हुआ था इसलिए उसका नाम पड़ा भांड महादेव की कृपा प्राप्त हुई बहुत बड़ा दैत्य बन गया फिर इंद्र भगवान के पीछे पड़ गया तो फिर नारद जी ने उनको बताया कि मां भगवती देवी दुर्गा या महामाया या आद्याशक्ति काली जिन जो नाम आप लें उनका अगर रक्त और मांस से पूजा करें तो भगवती प्रकट होकर के और इस भांडासुर का वध कर देगी देखो सात्विक तंत्र की कहानी बता रहा हूँ इसमें भी ये वर्णन है कि नारद जी ने बताया था कि अगर भगवती की पूजा मांस और स्वरक्त से मतलब खुद के खून से करें तो भगवती प्रसन्न होगी तो इंद्र भगवान ने अपने रक्त और मांस से माँ भगवती आद्याशक्ति की पूजा की तो फिर त्रिपुरा सुंदरी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने भांडासुर का अंत किया तो भगवती का तो बहुत सारा मंत्र है लेकिन इनके जो बीज हैं जो मंत्र है इनका मूल उपयोग वशीकरण के लिए होता है शंकर भगवान ने त्रिपुरा को हस्त्रय फिर कामराज बीज शाक्त बीज ये तीन मंत्र दिया जो शाक्त बीज है उसके बारे में हम आज बात करेंगे शाक्त बीज का एक लाख अगर आप जाप कर लेते हैं तो शाक्त बीज सिद्ध हो जाता है और इसके सिद्ध होने मात्र से आपकी सुंदरता तो बढ़ती ही है आप विश्वमोहक बन जाते हैं विश्ववशीकरण के लायक कब बन जाते हैं तो शाक्त बीज को सिद्ध करने का उपाय बताया शंकर पूज्य शंकराचार्य जी ने आचार्य शंकराचार्य इसमें कहते हैं कि साधक को श्वेत पुष्प के समान वस्त्र भूषण पहनना चाहिए मतलब आप जो भी पहने वो बिल्कुल साफ और सफेद होना चाहिए साथ में वो कहते हैं कि स... श्वेत वर्ण का आलेपन होना चाहिए मतलब सफ़ेद चंदन से पूरे शरीर को जैसे कि अघोर पंथ में आ, लोग भस्म से भी सफ़ेद करते हैं शरीर को तो चाहे तो भस्म या फिर आ, भस्म मतलब मसान का भस्म नहीं इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं जो हवन का आपका भस्म हो अगर सफ़ेद हो तो या फिर आ, जो सफ़ेद चंदन होता है उसको लगाए पूरे शरीर पर सफेद वस्त्र धारण करें भूमि आसन जो है वो आपका सयाह होगा मतलब आप बिस्तर पे नहीं सो सकते हैं और मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी का जो साक्त मंत्र है अंतय मंत्र है हस्त्रिम 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 इस मंत्र का एक लाख जाप कर किया जाता है एक लाख जाप करने के बाद इसका दशांश हवन होता है मतलब दस हज़ार पलाश के फूल से इसका हवन होता है पलाश का फूल आप जानते हैं दो रंग का मिलता है अगर सफ़ेद पलाश मिल जाए तो वो अति उत्तम होता है तो दस हज़ार आप इसका अगर दशांश हवन कर देते हैं तो उस व्यक्ति के मुख में सरस्वती का विर, आ, विराज जाती है और सरस्वती विराजने के साथ उसको विश्व सममोहन की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट सेवन डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च करें तो उसमें आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा उसमें आप कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट डब्लू डॉट एक्सन आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश